आज खबर तीक की टीम पहुंची है दी किसान सहकारी चीनी मिल अनुक्षर पर, जहां किसानों का धरना चल रहा है। 10 दिन से चीनी मिल बंद को लेकर ये यहाँ जीएम आवास को यहाँ घेर लिया है। धरने बैठ लगे, हम बात करेंगे किसानों से, क्या मांग है इनकी, क्या मांग है सर आपकी? मांग को तो आपकी आपको पता है, इतने हमारे अधिकारी गढ़ गए खड़े हैं, इनको सबको जानकारी है। जब पहले से ये चीनी मिल किसानों गन्ने को ले रही है और अब कौन लेगा? ये एक हफ्ते से बुग्गी ट्रैक्टर धूप में खड़े खड़े सूख रहे हैं और ये चीनी मिल के जो अधिकारी हैं किसानों को आश्वासन दे रहे हैं अभी 2 घंटे में तोलता, अब कल तोलेगा, का सफाई हो रही है। इन्होंने इतना विश्वासघात किसानों के साथ किया है, ये अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। ये जितना भी गन्ना इस समय लूट खड़ा है, चाहे सेंटरों पर है चाहे चीनी मिल पर है, इसके अलावा ये तो तोलेगा ही, इसके अलावा जितना भी खेत में इस समय गन्ना है, जब तक वो पूरा गन्ना नहीं आ जाएगा, इस चीनी मिल को ना तो बंद होने देंगे ना ही इनके अधिकारियों को हाथी जाने देंगे। ये आंदोलन क्या नाम है रहेगा? मेरा नाम ठाकुर धर्मिंदर सिंह है, मैं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये थे धर्मिंदर सिंह, किसान महासभा के अध्यक्ष, हमारे साथ हैं सीसीओ, उनसे ही बात करेंगे, क्या मामला है सर, क्या चल रहा है? इसमें जो है हमारी चीनी मिल में 1 मई को टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, मेजर प्रॉब्लम हो गई थी टर्बाइन में। उसके बाद हम लोग पिराई करने के लिए काफ़ी हमने कोशिश की कि टरबाइन इंजीनियर बुलाया, लेकिन कोविड महामारी चल रही है तो कोई इंजीनियर आने को तैयार नहीं है और सक्षम ऐसा नहीं था कि ये टरबाइन सही कराई जा सके। उसके बाद कुछ गन्ना था, हमने सोचा कि जनरेटर मंगा के कार्रवाई करते हैं इस पर और इसको पिराई करवा लेते हैं, तो वो पिराई नहीं हो पाई इसमें। जब पिराई नहीं हो पाई तो हमने यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजा गन्ना आयुक्त महोदय को कि ये गन्ने को दूसरी चीनी मिलों में डाइवर्ट कर दिया जाए, जो भी गन्ना एक्ट में प्रावधान है उसके अनुरूप गन्ना आयुक्त महोदय ने उसको गन्ने को डाइवर्ट कर दिया अनामिका और साबितगढ़ चीनी मिल को। तो उसमें हम लोग कर रहे हैं, किसानों की मांग है कि यहीं पे गन्ना तोल कर लिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चीनी मिल चलने की स्थिति में नहीं है। अगर हम लोग ज़्यादा कोशिश करके चलाने का प्रयास भी करते हैं तो कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए हम लोग मजबूर हैं। हम लोग किसानों से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि जो गन्ना एक महोदय का आदेश है उसके अनुरूप आप लोग जो है गन्ना वहाँ ले जाएं। कोई समस्या है कि हम लोग किसानों के साथ हमेशा खड़े हुए हैं, अभी भी खड़े होंगे, भविष्य में खड़े होंगे। ये थे सीसीओ साहब मनोज कुमार जी, जो बता रहे थे तकनीकी के कारण चीनी मिल बंद है, जो चलने के कारण दूसरी 2 चीनी मिलों को गन्ना वहाँ भेजने के लिए इन्होंने गन्ना आयुक्त को निर्देश आए हैं यहाँ, लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। किसान मानने के लिए तैयार है बशर्ते ये ऐसा नहीं कर रहे जैसा किसान चाह रहा है। ये कर रहे हैं कि जो गन्ना ये ले रहे हैं ट्रैक्टर बुग्गी उसे भी ये भेज रहे हैं। अब बताओ बुग्गी वाला कैसे लेके जाएगा गन्ने को? भाई 70 किलोमीटर बुग्गी वाला कैसे लेके जाएगा? ट्रैक्टर वाला जा सकता है, हैं ट्रक वाला जा सकता है, बुग्गी वाला कैसे जाएगा? हम कह रहे हैं कि आप अपने कांटे पर यहाँ तोलें गन्ना को और यहाँ से आप अपने द्वारा भिजवा दें इस गन्ने को। हमारा कहने का मतलब ये है, हम भी तैयार हैं जैसे ये कह रहे हैं, बशर्ते हम जैसे कह रहे हैं ये वैसे तैयार हो जाए, हम पर कोई आफत नहीं है। क्या नाम आपका? संजय कुमार सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री। ये थे संजय कुमार जी, जो बता रहे थे किसानों की समस्या। मैं डॉक्टर जगत सिंह सिसोदिया, बोल रहा हूँ महाशक्ति, भारतीय किसान महाशक्ति से, राष्ट्र संगठन मंत्री। यहाँ पर कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि यहाँ के सीसीओ और महाप्रबंधक महोदय वैभव मिश्रा जी ने बना रखा है। इन्होंने किसानों को पर्चियाँ दी थी, पर्चियाँ दे करके यहाँ गन्ना मंगाया गया था। गन्ना मंगाने के बाद में उसके बाद इनको आश्वासन देते रहे, अभी 2 घंटा रुकिए, अभी 2 घंटा रुकिए। विशेषकर हमारे सीसीओ महोदय इस चक्कर में थे कि हमें कुछ पैसा मिल जाए। किसानों का पैसा तो है नहीं, किसान स्वयं धूम में मर रहा है। हमारे सीसीओ महोदय बहुत ही लालची किस्म के आदमी हैं और इन्होंने कल तक ऐसा ही उम्मीद रखा, लेकिन यहाँ के किसान बड़े मजबूत हैं, मरने को तैयार हैं। इन्होंने किसान यूनियन महाशक्ति के लिए इन्फॉर्मेशन दिया और महाशक्ति यहाँ पर इनकी सेवा के लिए उपलब्ध है और हम जब तक यहाँ पर रहेंगे। सीसीओ महोदय से हमने कम से कम 20 बार बोल दिया, आप सीसीओ महोदय हमारे सामने बैठिए और हम आपको बंधक बनाएंगे और आपसे कुछ बातें करेंगे, लेकिन सीसीओ महोदय इतने मगरूर हैं क्योंकि पैसा तो उनको मिला नहीं, अंदर जा कर के फ़ोन पर लगे हुए हैं और किसान धूम में भैंसा और बुग्गी गन्ना सूख रहे हैं वहाँ पर।
घर में बच्चे बीमार हैं इस महंगाई के और बीमारी के दौर में किसान घर छोड़कर बाहर पड़ा हुआ है। आज जो किसान एक अकेला घर पर है उसके बच्चों को कौन देख रहा है? सीसीओ महोदय किसानों के नाम पर पैसा लेते हैं और तनख्वाह लेते हैं गवर्नमेंट से, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनको क्या फर्क पड़ता है ये तो इससे पूछो जिसके जिसके जी से बीतती है, जिसको लगती है। मैं चाहता हूँ अगर सीसीओ महोदय आप यहाँ नहीं आए तो पूरा प्रदेश का संगठन आपके लिए यहाँ पर बैठाएगा और हमें मजबूर मत करिए। हमें मजबूर हो गए, मजबूर होना पड़ा तो हमारा संगठन आपको किसी किसी कीमत में बकसने वाला नहीं है। जय जवान, जय किसान। कैमरामैन अखलाक चौधरी के साथ सुल्तान अंसारी, खबर तक का जहांगीराबाद बुलंदशहर। आहूजा पान भंडार, हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार बुलंदशहर। हेल्दी विंग हॉस्पिटल, हमारे यहाँ पर टूटी हड्डी व जोड़ों का इलाज किया जाता है। कमर, रीढ़ में दर्द व पुराने गठिये रोग का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व महीने के पहले सोमवार को फ्री ओपीडी की भी सुविधा, साथ ही स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों का इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है बीएन कॉम्प्लेक्स मोतीबाग रोड बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91 गांव चंदेरू, दहली रोड बुलंदशहर।